बात करेंगे रीवा की, जहां पर शनिवार को जनसंपर्क और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री राजेंद्र शुक्ला पत्रकार स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 30 सितंबर को रीवा में संस्कृति विश्वविद्यालय की शुरुआत की जानी है और लक्ष्मण बाग परिसर में संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट की बैठक में यह पास हो जाएगा और जो भी इसमें राशि लगनी है उसकी स्वीकृति भी मिल सकती है। 30 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आने वाले हैं और इसका शुभारंभ करेंगे। जल्द ही रीवा के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती भी की जाएगी और उसके प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही पत्रकारों के लिए भूखंड की व्यवस्था भी की जाएगी, ये बयान उन्होंने दिया है। शोरूम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे बच्चों को कितना रोजगार मिल रहा है। 16 प्लांट की जो बात आपने कही है, 16 प्लांट जब बन रहा था तो 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, उसमें हो सकता है 10-15% लोग बाहर के रहे हों, लेकिन बाकी सब हमारे यहाँ के थे। लेकिन जब 16 प्लांट बन के तैयार हो गया तो ये बात सही है कि फिर उनके 60% जो लोग हैं वो उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, क्योंकि 16 प्लांट में ना तो कोयला ढो के लाना है और ना लाइम स्टोन ढो के लाना है, और सूरज की रोशनी अपने आप ही पैनल पर आती है और बिजली अपने आप बन के ग्रिड में चली जाती है। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान पर्याप्त रोजगार रहा है, लेकिन बन जाने के बाद फिर ऑटोमेटिक सिस्टम होने के कारण अब वहाँ पर रोजगार जो है वो श्रमिक स्तर के तो पूरे मिल रहे हैं जो पैनल स्टाफ करते हैं। आखिर मजदूरों को भी तो नौकरी चाहिए, उनको भी तो काम चाहिए।